जी नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो वीरेंद्र कुमार, सरदो डी सोनो प्रखंड से लाइव। दर्शकों, आपको याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले मनोज मंडल के ऊपर राशन कार्ड फर्जी तरीके से बनवाने का आरोप लगा है और FIR सोनो थाने में दर्ज की गई। इसी क्रम में मैं मनोज जी से बात करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिर हकीकत है तो है क्या। हालांकि सोनो थाना के जो तेज तरार पुलिस अधिकारी हैं तैयब जी के हाथ में ये मामला है, देखते हैं वो दूध का दूध पानी का पानी कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत ही ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं। और मनोज जी से जुड़ के मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि हकीकत है क्या, क्या सचमुच इन्होंने 1500 रुपये लिए हैं या फिर कोई राजनीतिक साजिश की बू है। क्योंकि यहाँ जो वर्तमान मुखिया है और ये दोनों में अक्सर माने ये प्रतिद्वंदी हैं आने वाले समय में, ऐसे में कहीं ना कहीं हमको जहाँ तक प्रतीत हो पा रहा क्योंकि कुछ कहीं ना कहीं ये राजनीतिक प्रेरित भी घटना हो सकती है। हम मनोज जी से बात करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ, बनी रहिएगा हमारे साथ प्लीज। हमारे साथ मकसूद अंसारे जुड़ रहे हैं, क्या दिक्कत है मकसूद? हमारा दिक्कत ये है, कॉलोनी है ना, हमारा मिला तो हमारा परिवार से सब टीपा उपा दस्खत सब वार्ड सदस्य आया उस मुखिया लगा करके सब टीपा उपा ले लिया, आधार कार्ड के भी सब, और बिक्री कर दिया। समझे बिक्री थोड़े होता है, कौन किसको दूसरे को दे दिया? दूसरे के दे दिया। क्यों दूसरे के दे दिया? वो पैसा बेसी दिया, हम 10,000 दे रहे थे, हमरे नहीं दिया समझे ने, बिक्री कर दिया। अब शिकायत नहीं की कहीं? नहीं, शिकायत करना चाहिए ना। मुखिया जी के बोले, मुखिया जी बोला क्या कि आपको नाम ना है सूची में, और उस मुखिया भी बोला कि सूची में आपका नाम ना है। अच्छा, सूची में नाम था आपका? हाँ, सूची में हमारा नाम है, आगे का नाम है समझे। अच्छा ठीक। वार्ड सदस्य जुड़ रहे हैं डब्लू तुरी, क्या दिक्कत है? दिक्कत यही था हमको, जब हम दिल्ली में थे काम करते थे उस टाइम में मेरा घर पर जाकर धमकी से मेरा सर्टिफिकेट दे दिया, और उसके बाद बोलता सर्टिफिकेट करवा के उसके बाद हमको बोले तुमको यहाँ आना पड़ेगा, खाता खुलवा के कारण, और मेरे को पासपोर्ट चेकबुक मांगे वो भी नहीं दिया, उसके काम करवाएंगे, काम करवाने के बाद फिर चेकबुक साइन करवा दिया, कितना रकम भरा वो भी नहीं बताया। कौन करवाया? वो संजय मंडल। अच्छा, कौन है संजय मंडल के? संजय मंडल ये राम ठाकुर का मुखिया का सहयोगी है। हाँ सर, उसी के पता से वो कहता है। और ब्लैंक चेक में हमको बार बार धमकी देता है तुम नहीं करेगा, फिर बाहर चले गए कमाने लिए, उसके बाद फिर हमको धमकी देता है फोन पर कि तुम नहीं करेगा तुम्हारा जेल हो सकता है, तुमको अंदर कहीं आ जाएगा। ब्लैंक चेक पे दस्तखत करवा लिया आपसे? जी, ब्लैंक चेक पर साइन करवाता है और रकम मेरे सामने नहीं भरता है। इतने में काम करके उसके बाद फिर 3 महीने पहले फिर मांगे चेकबुक, मैं सामने भाई के सामने बात किया था, वो नौ दिन से बोलता तुम्हारा हक नहीं है चेकबुक खाता मांगने के लिए, वो बोलता सचिव का हक है, इतने ही बोल के बस चुप लगा दिया। मनोज जी, जो आपके ऊपर FIR हुई है इधर, क्या कहना है इसके बारे में? जी सर नमस्कार, मेरा कहना है हम अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं जान रहे हैं। अच्छा, मेरे ऊपर जो FIR हुआ है ये न्यूज़ के माध्यम से और पेपर के माध्यम से मुझे जानकारी मिला है कि आपके ऊपर और आपके साथ और 3 लोगों के ऊपर FIR हुआ है, और जब FIR देखे तो हमको आश्चर्य लगा कि यह जो गलत तरीके से FIR हुआ है इसका कारण क्या है, जबकि मैं राशन कार्ड के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। जहाँ तक कि मैं राशन कार्ड के लिए आज तक नहीं तो हम डीलर हैं, नहीं तो उस कार्यालय को हम देखे हुए हैं कि यह कार्यालय कहाँ है डीलर लोगों का, और फिर राशन कार्ड का ये भी मुझे जानकारी नहीं है। और आज तक आज क्या हम पिछले 5 वर्षों से, अभी से लेकर पिछले 5 वर्षों से उस कार्यालय के दरवाजे पर मैं कदम ही नहीं रखा हूँ। अभी 10 दिन पीछे, 1 महीना पीछे, 1 साल पीछे या पूरे 5 साल तक हम उस कार्यालय तक गए भी नहीं। और जिस जो आदमी का वो नाम दिए हैं गवाह में, वो आदमी मुझे चिंता भी नहीं है, आमने सामने फेस टू फेस परिचय भी नहीं है, वो ये नहीं कह सकता कि मनोज मंडल यही है। अच्छा, और फिर 1500 रुपये लेने का आरोप जहाँ तक है कि ये पूरी तरह गलत है, हम किसी से कोई 1 रुपया नहीं लिए हैं, नहीं तो हम किसी का राशन कार्ड बनवाए हैं। जी जी, ये क्या लग रहा है आपको, राजनीतिक प्रेरित है या फिर आपका जो मैंने कैसे हो गया ये, कुछ तो कहीं ना कुछ कारण? देखिए,
कारण जो भी हो हमको अभी तक जानकारी नहीं है कारण क्या है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जब FIR हुआ है तो इसकी सच्चाई अपने पुलिस अधिकारी से इसका सच्चाई जांच करके उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। और कई सूत्रों से जानकारी मिली, पंचायत में भी बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है, और जहाँ तक मुझे जानकारी मिल पा रही जो वर्तमान मुखिया है और आपके बीच में कहीं न कहीं सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, ये मुझे पूरी पक्की खबर है। देखिए, पक्की खबर जहाँ तक की बात है, मैं अगले चुनाव में यहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी में हूँ, तो प्रतिद्वंद्वी के रूप में है, अगला जो है उनको लग रहा है कि हम चुनाव में आएंगे तो पब्लिक सारे मेरे साथ रहेगा, क्योंकि हम शुरू से साफ सुथरा रहे हैं, कहीं जीवन में आज तक कोई क्लेम मेरे प्रति लगा नहीं, नहीं तो ऐसा मैं कोई काम करता हूँ। रही बात कि इस पंचायत में अगर आप देखें तो काम करने का तरीका अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि पूरा का पूरा भ्रष्ट ही हो रहा है ना। एक तरफ से आप उठा लें जहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें हम देखे पेपर में पढ़ रहे थे कल कि जो जो इंदिरा आवास लिया है उनसे किसी से 17,000, किसी से 30,000, किसी से 52,000 की राशि उगाही किया है। कौन उगाही किया उसमें नाम आ रहा है, यहाँ का वर्तमान मुखिया राम ठाकुर है और उनके साथ रह रहे श्री संजय मंडल ने उगाही किया है और उसके साथ कुछ दो चार लोग है, लेकिन वो तो माध्यम है, पैसा संजय मंडल के यहाँ ही जाता है जहाँ तक कि मुझे जानकारी है। आप नरेगा में देखेंगे, तो आप लोगों ने शिकायत कहीं नहीं करवाई? शिकायत जो लोगों से पैसा लिया जा रहा है वो लोग अपने स्तर से करेगा, उनको करने का अधिकार है, सरकार तो अधिकार दिया है, वो करेंगे शिकायत। जहाँ तक कि हमको जानकारी है वो हम आपको बता रहे हैं। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा वीडियो एक नरेगा तालाब खुदाया जाता है JCB से और उस तालाब को चार तरफ चौहद्दी होता है, एक वर्ष पूर्व साइड का नाम दे करके उस पैसे को निकासी करता है, उसका जितना भी एग्रीमेंट राशि हो निकासी करता है, दूसरे वर्ष दूसरे तरफ का चौहद्दी दे करके उसका निकासी करता है, तीसरे वर्ष चौथे तरफ जिसका जमीन पड़ता है उसका चौहद्दी देकर निकासी करता है, चौथा वर्ष उसका जो चौथा तरफ चौहद्दी पड़ता है उसके इसे निकासी करता है, इसके बाद उसको प्लेन कर देता है, जमीन रहता है। जबकि नरेगा मनरेगा का जो तालाब होना है वो सरकारी ज़मीन में किसी भी हालत में होना है, किसी की प्राइवेट ज़मीन में नहीं होना। अगर प्राइवेट ज़मीन में योजना बनता है तो बिहार सरकार के नाम से उसको लिखना पड़ता है, ऐसा एक भी तालाब में हुआ नहीं। 2014 से लेकर 2020 तक मेरे ख्याल से 400 योजना बना है, 400 योजना में अभी लगता है कि स्पॉट पर 50 वो योजना भी खड़ा नहीं है, 350 योजना जो है। तब सरकार को लिखे क्यों नहीं, आपको लिखना चाहिए ना, मिट्टी में उसको मिट्टी बराबर करके उस जमीन में धान लगा रहा है, आज धान रोपा जा रहा है, उसमें खेती हो रहा है, मतलब सारी योजना पेपर पर कंप्लीट हो गई, बाकी पैसे निकल गए, सारे योजना पेपर पर कंप्लीट हो गई। पूरी लॉकडाउन में पूरे पंचायत में, दूसरे पंचायत में, तीसरे पंचायत में घूम घूम करके हमने कम से कम 250 क्विंटल चावल, दाल 100 क्विंटल दाल, आलू, ये सारे चीज़ों का मैंने गरीबों को लॉकडाउन के पीरियड में कीट बना बना कर दिया हूँ, और जो मजबूर लोग थे उनको मैंने नगद भी 100, 200, 500, 400 दिया, जो जैसे मजबूरी में था हमने उनको वैसे मदद किए। धन्यवाद। जो जनता है मनोज मंडल के समर्थन में खड़ी है, क्या कहना आप लोगों का? झूठा आरोप सब है सर, सब झूठा आरोप लगाया है, संवेदक है
और ये ठेकेदारी वगैरह करता है, इसकी सही जांच हो, सही जांच जा रहा है सर। ये जो है सो लॉकडाउन के पीरियड में लोग गरीबों के बीच अनाज वगैरह वितरण किया, ये लोग को दे सकता है, ये 1500 रुपए ठग सकता है, ये कैसे इस पर आरोप लगाया, इसका चिंता हम लोग का है। और सभी गरीब दुखिया का सबका मदद करता है, कभी जो भी लोग आते हैं इसके पास, और फुल लॉकडाउन में किया है इसका जो है सो, आप थाना प्रभारी से अन्य से कहीं से भी आप देख सकते हैं, और फुल लॉकडाउन में इन्होंने मदद किया गरीबों को, और इनका छवि को देखकर धूमिल करने के लिए इस तरह का आरोप लगाया।